हाय एवरीवन, दिस इज मी डाइटिशियन खुशबन। आपका वेलकम है डाइटिशियन खुशबन फिटनेस क्लब में। सो क्या आप भी एंगर, हेयर फॉल, वेट लॉस इन जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं? तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस के। हो सकता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो आप में, जो आपको अपनी चीज़ों से पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं यहाँ बात करूँगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है फीमेल में, एंड मेनली हार्मोन क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड आप इन नेचुरल तरीक़ों से इन हार्मोन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। पहले तो मैं बात करूँगी कि क्या होता है हार्मोन। हार्मोन एक तरीके का केमिकल होता है जो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में उनकी हेल्प करता है। साथ ही ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, फर्टिलिटी में, एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, एंड आपका मूड अगर बहुत स्विंग्स होता है तो इस पे भी, ये हार्मोन चेंज पे भी निर्भर करता है। सो अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के जो है हार्मोन होते हैं। हार्मोन का टाइप्स इस बात पर डिपेंड करता है कि हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहा है। जैसे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी हार्मोन को जो है सिक्रीट होने में, उनके फंक्शंस में हेल्प करता है। इनमें से ये एक थायराइड हार्मोन है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे नेक में होती है, और ये थायराइड जैसे हार्मोन को बनाने में हेल्प करती है। एंड ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, आपके जो है फर्टिलिटी को कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसमें जो है अगर आपका हार्मोन, थायराइड हार्मोन है, नीचे ऊपर हो रहा है या वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो इससे दो डिजीज होती हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो में वेट गेन होता है एंड हाइपर में वेट लॉस होता है। नेक्स्ट होता है पेट में एक ग्लैंड होती है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है सिक्रीट करने का काम करता है इंसुलिन का, और इंसुलिन भी हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ये हेल्प करता है ग्लूकोज के लेवल को जो है ब्लड में मेंटेन करने का, कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं, अगर आप डाइट में आपका ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है तो उनको ये मेंटेन करता है। अगर यही अगर इनका लेवल जो है डिसबैलेंस होता है या फिर कम या ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका इंसुलिन लेवल ठीक नहीं है या इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन इम्बैलेंस है तो डायबिटीज़ यानी कि शुगर जैसी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है जस्ट किडनी के ऊपर होती है, और ये सिक्रीट करती है कॉर्टिसोल हार्मोन को, या रिलीज करती है कॉर्टिसोल हार्मोन को। कॉर्टिसोल हार्मोन को जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अगर इनका लेवल अगर आपके बॉडी में ठीक नहीं है, डिजायर्ड नहीं है एज पर द जो भी गाइडलाइंस हैं, तो इनसे आपको स्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ना, ये तीन इनके फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। पहला तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मसल मास को कंट्रोल करता है, इसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ फीमेल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो क्यों होता है। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि होता है निकलता है ओवरी से निकलता है, और ये फीमेल में उसके फर्टिलिटी हेल्थ को मेंटेन करने में जो है फंक्शंस करता है या उनकी हेल्प करता है। अगर ये एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो ज़्यादा है या कम है जितना होना चाहिए, तो इसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। साथ ही कई बार फीमेल में जो है टेस्टोस्टेरोन, एक मेल हार्मोन होता है, उनके लेवल भी कई बार ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल में, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स बॉडी में आते हैं या डिफरेंट टाइप के डिजीज होने के चांसेज होते हैं। आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें कि आप देखेंगे कि फेस पे जो है फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, या फिर पीरियड्स इरेगुलर है, मूड स्विंग्स है, वेट गेन हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना वजह ही बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं, तो ये फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस को आप कैसे कंट्रोल करते हैं थ्रू द नेचुरल तरीका अपनी डाइट को मॉडिफाई करके, वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसके लिए किया जाता है, जिसमें कि ब्लड टेस्ट होते हैं, दो हार्मोन और होते हैं LH एंड FSH, इनका भी ब्लड टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है कि इनका लेवल नॉर्मल है या नहीं। साथ में कुछ मेडिकेशन चलाई जाती हैं थ्रू द एक्सपर्टीज या थ्रू द डॉक्टर्स। तो मैं यहाँ तो डाइट के बारे में बात करूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को मॉडिफाई करके किस तरीके से आप अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं एंड हेल्दी रह सकते हैं। सब मैं बताऊंगी कुछ तरीके जिससे कि आप अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं थ्रू द नेचुरल तरीका। तो ये नेचुरल तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपना वेट जो है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल करना चाहिए।
आपको अपनी बीएमआई, हेल्दी बीएमआई पे रहना ही अलग एक बात होती है। तो आप अगर लगता है इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, तो वेट लॉस करने की ट्राई कीजिए या अपने आपको हेल्दी वेट पे रखिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो हार्मोन है वो कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस होने लगा है। साथ में एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर अपने रूटीन में ऐड करिए। फिजिकल एक्टिव होने से भी आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस होने लगते हैं। वो योगा हो सकता है, कोई एरोबिक्स एक्सरसाइज हो सकती है, डांसिंग हो सकता है, स्किपिंग कर सकते हैं, या फिर आप वॉक भी कर सकते हैं, या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक कई सारे तरीके हैं, हल्का फुल्का या एट शेप वॉक कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपना वेट जो है कंट्रोल कर सकते हैं या अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। थर्डिया, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आजकल की बिजी रूटीन में हर किसी को बहुत जल्दी होता है रेडी टू ईट, यानी कि फ्रोजन फूड, पैक्ड फूड, बेकरी आइटम्स जितने भी अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको लेने से पहले उनकी लेवलिंग जो पीछे मेंशन है उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि उनमें कुछ इस तरीके के रिफाइन ऑयल होते हैं या पॉम ऑयल होता है या फिर हाइड्रोजिनेटेड जो है वेजिटेबल ऑयल है या पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, उनके सेवन से बचिए, क्योंकि ये भी आपके हार्मोन को जो है इम्बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ जो है, आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच चीज़ें ऐड कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो है फिश ले सकते हैं, वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में भी ओमेगा 3 के बहुत सारे अच्छे सोर्स हैं, जिसमें कि आपका फ्लैक्स सीड्स है, यानी कि अलसी है, वॉलनट है, सनफ्लावर सीड्स है, ये कई तरीके पम्पकिन सीड्स है, या फिर आपकी चिया सीड्स हैं, इनमें जो होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जिसके सेवन से आपके हार्मोन काफ़ी अच्छे बैलेंस हो सकते हैं। तो ये भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ जो मैं बात करने वाली हूँ वो है आपका गट हेल्थ। आपने कभी सोचा है कि हमें जो है गट फीलिंग क्यों आती है, ब्रेन वाली फीलिंग क्यों नहीं आती? हम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये काम जो है नहीं हो सकता या ये काम हो सकता है? आपने कभी सोचा है कि गट फीलिंग हम क्यों कहते हैं, ब्रेन फीलिंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैक्सिमम काम तो हमारे दिमाग से कंट्रोल किया जाता है। तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ गट हेल्थ के बारे में, क्योंकि जो आपका गट है ना वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, पूरा दिन आपका खराब होता है। वहीं पे अगर आपका गट हेल्दी है, स्टमक रेगुलर अच्छे से क्लियर हो रहा है, किसी तरह की कोई स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इनडाइजेशन नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत हेल्दी फील करते हैं। तो यहाँ पे आपका एज अ कुछ प्रीबायोटिक है या प्रोबायोटिक्स हैं, वो इजिली घर पे ही मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप अपने आप को, अपने गट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं एंड अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये गट फीलिंग को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, प्रीबायोटिक में आप ले सकते हैं अलसी का पाउडर, इसे रोस्ट करके घर पे आप जो है एक चम्मच सुबह सुबह चबा करके गुनगुना पानी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रोबायोटिक के लिए, आप घर पे नेचुरल दही के साथ में शक्कर ऐड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा प्रोबायोटिक का काम करता है। साथ में छाछ अपनी खाने में ऐड कर सकते हैं, जो कि और भी अच्छा एक प्रोबायोटिक का वर्क करता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ हेल्दी फैट के बारे में। हेल्दी फैट में मैं बोलूँगी कि जितनी भी ओमेगा 3 रिच चीज़ें हैं, या फिर मैंने अभी जैसे बताया कि क्या क्या उसके सोर्सेस हैं, या हेल्दी ऑयल में आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है मार्केट में कि मैं ज़ीरो फैट डाइट पे हूँ, यानी मेरी डाइट में फैट है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे कुछ विटामिन होती हैं, जैसे कि ADKE विटामिन है, इसके सॉल्युबल या इसके अब्जॉर्प्शन के लिए फैट का होना नेसेसरी है, एसेंशियल है। तो आपको अपनी डाइट में फैट बिल्कुल हटाना नहीं है। आप वो वाले फैट मत लो, आप सैचुरेटेड फैट मत लो, आप ट्रांस फैट मत लो, क्योंकि ये सारे सैचुरेटेड, अगर ज्यादा फैट आपको लेते हो आप या फिर ट्रांस फैट लेते हो, तो ये आपके जो है लिपिड प्रोफाइल को डिसबैलेंस करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो आप यहाँ पे हेल्दी वाले फैट यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे कि वर्जिन ऑलिव ऑयल है, या वर्जिन कोकोनट ऑयल है, या फिर आप नॉर्मली सरसों ऑयल यूज कर सकते हैं, ये सर रिफाइंड ऑयल यूज करने से बचिए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन, क्योंकि जो वेजिटेरियन डाइट होती है आजकल की इंडियन डाइट में, एक मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें कि इस सर्वे में ये पाया गया कि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर उनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है।
तो आप अपने प्रोटीन इनटेक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रोटीन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। साथ में एक कुछ हार्मोन के निर्माण में, जैसे जितने भी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। इसके साथ ही मैंने जैसे बताया कि जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वेट को जो है पुट ऑन करने लगता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है ना वो है ग्रेनिल हार्मोन। ग्रेनिल हार्मोन का काम होता है हंगर को मेंटेन करने का, लेकिन अगर आपके डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्रेनिल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे कि आपकी हंगर जो है वो बढ़ जाएगी और हंगर बढ़ने की वजह से आपको बार बार भूख लगेगी और फिर बार बार आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे जिसकी वजह से जो है वेट गेन आपका होगा। तो इसीलिए प्रोटीन को ऐड करना बहुत जरूरी है डाइट में, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, खास करके आपकी जितनी जैसे चने हैं, साबुत चना, काबुली चना है, या फिर दाल है, सोयाबीन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर है, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश है, या फिर एग है। तो आप ये सारी चीजें अपने डाइट में यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके हार्मोन इंबैलेंस होने का जो चांसेस है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है, या फिर आपके हार्मोन इंबैलेंस है तो वो कंट्रोल होने लगता है। ना नेक्स्ट फाइबर। फाइबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप फाइबर इनटेक आपकी डाइट में जीरो है या फिर कम है, क्योंकि फाइबर का जो क्वांटिटी डिसाइडेड है ना वो है आपकी 25 ग्राम पर डे फॉर द हेल्दी पर्सन। अगर आप इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं लेते हैं तो गट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है एंड आपको गट फीलिंग नहीं आएगी, एंड गट फीलिंग आपके अगर डिस्टर्ब है तो बाकी के सिस्टम आपके डिस्टर्ब होंगे। तो इस वजह से अपने डाइट में जो है फाइबर ऐड करिए। फाइबर में आप फ्रूट जूसेस अवॉइड करिए, एंड फ्रूट जूसेस जैसे कि फ्रूट जूसेस मैं अपने डाइट में अपनी जो भी मेरे क्लाइंट है मैं भी उनको नहीं बोलती हूँ या अलाउ नहीं करती हूँ। ऑल्दो आप फ्रूट जूसेस के बजाय आप फ्रूट लीजिए, क्योंकि 6 संतरा चाहिए आपको एक ग्लास फ्रूट जूस बनाने के लिए, लेकिन आप 6 संतरा एक बार में नहीं खा सकते हैं क्योंकि फ्रूट में भी शुगर होता है, एंड अगर वो शुगर आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके शुगर लेवल को शूट अप करेगा। लेकिन वहीं अगर आप 1 या 2 संतरा खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, साथ में आपको फाइबर, विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा आप सलाद ले सकते हैं। सलाद में डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी तो खीरा आप ले सकते हैं, ककड़ी आप ले सकते हैं, इनके अलावा डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो भी आप ले सकते हैं अपनी लाइफ में। सोना तो आजकल जैसे हम भूल गए हैं, तो मैं बात करने वाली हूँ एक साउंड स्लीप के बारे में। हार्मोन इंबैलेंस होने का मेन ये भी एक कारण है कि आपकी जो स्लीप अल्टर्ड है या आप अच्छे से सोते नहीं है। तो गाइस सबसे जरूरी है कि एटलीस्ट आप 6 to 7 hours की नींद जरूर लीजिए प्रॉपरली रेगुलर। अगर आपको नींद नहीं होती तो मैं एक छोटी सी टेक्निक बताने वाली हूँ, उस टेक्निक को फॉलो करिए। करना क्या है कि आपको जस्ट एकदम प्योर अगर आपको सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल मिल जाता है तो आप अपनी उसको क्या करना है कि गरम करना है हल्का गुनगुना, एंड उसको गरम करके जो आपका सोल है पैर का उस पर मसाज करना है 5-5 मिनट एक एक पैर की सोल पे, एंड आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। अगर उससे नहीं होता है तो आप गरम दूध ले सकते हैं हल्का गुनगुना, उससे भी नहीं अगर होता है तो आप शहद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही शहद की यूज करें, क्योंकि शहद से भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। जस्ट एक ग्लास गुनगुने पानी में, पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, एंड आप उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करके रात को सोते समय अगर आप लेते हैं तो ये भी आपकी नींद को अल्टर्ड होने से बचाती है, एंड साथ में आपको साउंड स्लीप में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारी चाय यानी कि शुगर इनटेक। बिना चाय के तो कुछ लोगों के दिन ही शुरू नहीं होता है, तो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ शुगर का। शुगर एक हार्मोनल इंबैलेंस होने का मेन कारण है क्योंकि ये होता है रिफाइंड, उसके प्रोसेसिंग में डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज किए जाते हैं जो कि हार्मोन को इंबैलेंस करते हैं। तो यहाँ शुगर का जो अल्टरनेट है वो है जैगरी, स्टीविया मार्केट में अवेलेबल है जो कि 0 कैलोरी की होती है, या फिर आप जो है देसी खांड ले सकते हैं, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। साथ ही जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है फ्यूचर में ड्यू टू हार्मोन इंबैलेंस वो भी काफी हद तक ठीक हो सकता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं यहाँ बात करने वाली हूँ स्ट्रेस की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी मैंने पैरामीटर बताया गाइस, स्ट्रेस एक तरफ है इसमें एंड बाकी के पैरामीटर
एक तरफ है, तो स्ट्रेस जो है वो मेन इनफर्टिलिटी का कारण है फीमेल में खास करके, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो जो नंबर ऑफ एग है वो भी धीरे 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 फीमेल बॉडी में कम होने लगता है। तो स्ट्रेस को मेंटेन करने के यहाँ पे डिफरेंट टाइप है, आप अपनी पसंद का कुछ खाना खा सकते हैं लेकिन कंट्रोल में, क्योंकि ऑल द लास्ट ऑफ द डे आपके हेल्थ इज अ वेल्थ। एंड इसके अलावा जो है आप कोई अपनी पसंद की म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये बहुत तरीके की चीजें हैं जो आप अपनी कोई अपनी पसंद की कोई बुक पढ़ सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिली पर्सन से जिससे भी आपको बात करना पसंद है आप उनसे बात कर सकते हैं, नहीं कुछ समझ में आता है तब वॉक करने के लिए निकल सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करता है। साथ में अपने डाइट से आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट जो है आप यूज कर सकते हैं, 1 या 2 क्यूब्स ओनली। एंड इसके अलावा जो होती है बारीक सौंफ, छोटी वाली जिसे हम मीठी सौंफ कहते हैं, उन सौंफ को आप अच्छे से चबा करके खाते हैं तो उनके चबाने की वजह से कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि सौंफ में कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है हार्मोन एंड उनके फंक्शंस, आप उसे कैसे नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने डिस्कस किया। एंड होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, एंड अगले वीडियो को देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।